अरे माँ, अकॉर्डिंग टू द रीतिज एंड द रिवाजेस आरती वारती उतारिए बहू की। नहीं कोई बात नहीं, मैं इस इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार आया था। पहले आरती। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति ओम। इसके बाद फूल। दूधो नाओ ऊतो फलो, सदा सुहागन रहो सुखी रहो। माँ इसके बाद क्या आता है? हाँ कुमकुम और थाली। एक मिनट, सॉरी, वो आजकल के हर काम खुद करना पड़ता है ना। और अब पानी। पैर रखो। अरे रखो भाई। हे गृह लक्ष्मी, अब गृह प्रवेश करो और मां के साथ वही करो जो करने के लिए रास्ते भर समझाते आया हूं। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दो। अरे वैसे भी ये आशीर्वाद तुम्हारे बेटे को ही लगेगा ना। अरे राजा जी, जा अपनी भाभी का सामान अंदर लिया। अच्छा भैया। भाभी कितनी खूबसूरत है मेरी भाभी। भैया इनके आने के बाद घर में लाइट चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आई आपका कमरा दिखा दूं। भाभी मेरी सीमा तो यहीं तक है, इससे आगे आपका राज शुरू होता है। जाइए। सुगंधा, मैंने सोचा था कि पहले रमा की शादी करूंगा फिर अपना ब्याह होगा, लेकिन माँ को उसके सपने से बाहर निकालना बहुत जरूरी था कि मेरी दुल्हन का दहेज वो रमा को देगी। अगर आपने ऐसा ही सोचा है तो हम उसे पूरा करेंगे। कैसे? जब तक रमा का ब्याह नहीं हो जाता हम दोनों साथ रहते हुए भी अलग रहेंगे। आप अलग सोएंगे और मैं अलग सोऊंगी। सुगंधा, तुम्हारे हिसाब से मेरी पत्नी बनने के लायक हो। शशि, आज से हमारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। इस इम्तिहान में हम दोनों पास होंगे। दूर रहकर भी पास होंगे। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो रमा? क्यों, चाय नाश्ता बना रही हूँ। कितने दिन? जब ब्याह के अपने घर चली जाओगी तब कौन बनाएगा? अच्छा एक बात बताओ कि तुम तीनों को क्या क्या पसंद है और माँ जी को क्या पसंद है? भाभी माँ दिल की बुरी नहीं है। जानती हूँ कोई भी माँ दिल की बुरी नहीं होती, लेकिन हर माँ की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। मैं अपने पापा की मजबूरी थी और तुम अपनी माँ की। एक बात पूछूं भाभी? हाँ पूछो। अपने होने वाले पति को नगर मंडप से बाहर निकालना कैसा लगा था आपको? मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पापा को ठग रहे हैं और उन दामों में वो काफी महंगा था। हमारे देश की रीति अलग है, दूल्हे के दाम देते हैं हम और जूते भी खाते हैं हम, है ना उल्टी बात?
लेकिन हर लड़की में तो आप जैसी हिम्मत नहीं है ना भाभी। पता है आप हफ्तों तक मेरी सहेलियों में पूछी गई हैं, और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आप मेरी भाभी बनकर आई हैं, तो लड़कियां बड़ी खुश होंगी, आपसे मिलना चाहेंगी। मैं तो आप पे टिकट लगाऊंगी। हाँ हाँ टिकट लगाओ, अब तो शरीफ घर आने की बहू है इसी लायक हो गई है कि उन पर टिकट लगाया जाए। माँ जी आप तू मुझसे मत बोल, मेरे शशि को फंसा लिया, अब तेरी वजह से मेरी रमाकुमारी घर पर बैठी रहेगी। अरे माँ तुम जाके आराम से बैठो और बहू की सेवा का सुख उठाओ। अरे वो चाय नाश्ता बना के ले आएगी, जाओ। इसके हाथ से तो मैं अमृत भी ना पीऊं। 25 साल मैंने तुझे पाला और एक रात में इसने तुझ पर कब्जा कर लिया, कल को घर और चाबियों पे भी कब्जा कर लेगी। अरे सास हमेशा बहू को खुद घर की चाबियां देती है, यही तो रिवाज है माँ। यही रिवाज मानता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ये लो चाबियां, संभालो अपना घर, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए। तू क्या समझता है मैं रमा के हाथ पीले किए बगैर ही मर जाऊंगी? कान खोल के सुन ले शशि, अगर 30 दिन के अंदर अंदर तूने राजू को नौकरी पर नहीं लगाया और रमा के हाथ पीले नहीं किए, तो किसी अंधे काने लंगड़े लूले से मैं उसको ब्याह दूंगी और बारात का स्वागत तुझे करना पड़ेगा। याद रख 30 दिन के अंदर अंदर ये सब नहीं हुआ फिर देख मैं क्या करती हूँ। एक बात तो बताओ नी, तुमने अपनी बीवी से छुटकारा पा लिया नी? फ्रीडम, मैंने जंजीर को काट के फेंक दिया। एक बात पूछता हूँ, वन क्वेश्चन, दूध पीने के लिए गाय भैंस को पालना जरूरी है? नो। इसलिए अब कि मैंने सोच लिया है अगर कभी फिर से शादी करूंगा तो ऐसी खूबसूरत लड़की से जो होटल में एंट्री करे तो लगे श्रीदेवी, ड्राइंग रूम में बैठी हो तो माधुरी दीक्षित, और अंदर के रूम में हो तो किमी खाट पर। किमी खाट पर मतलब काट कर। ड्रीम गर्ल, कभी मिल जाए तो मजा आ जाए लाइफ में। देखो हरामखोर कैसे खिलखिलाई की हंस रहा है। देख बिटिया, यहाँ तक तुम तो उतरी उंगली थाम के लिए आए हैं, अब यहाँ से विश्वास की उंगली थाम और बढ़ जाओगे झांसी की रानी बन और कर दे हमला अंग्रेज के ऊपर। बाबूजी, मुझे डर लगता है। अरे डर? और भिखारी से? दवा कभी डरी है बीमारी से? समझ तेरे हाथ में गुलेल और सामने कौवा बैठा मर साले के टपकाई दे। अभी हम अंतर ध्यान होते हैं, जब जरूरत होगी तो प्रकट हो जाएंगे। अरे अभी सटकते हैं फिर टपक जाएंगे। हिम्मत लाओ, चलो। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, चलो हिम्मत पकड़ो, चश्मा, 1 2 3 शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लल्लू अबे हेलो।